हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली तो दो शेयर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे जिनके अगर आप देखेंगे तो एक तो जिनमें ऐसा शेयर है जिसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी ही बेचना चाहते हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर निकल कर आई है जिसमें प्रमोटर जो हैं अपनी खरीददारी मतलब हिस्सेदारी पर्टिकुलरली यहाँ पर बेचेंगे एंड अगर हिस्सेदारी बिकेगी तो जो ख़बर है वो आपको पता है शाम को ही आती है ऐसी खबर ड्यूरिंग द मार्केट कभी आती नहीं लेकिन जब ये खबर निकल कर आ ही गई है तो इसका असर तो कल पड़ेगा ही जब मार्केट ओपन होगा आप ये मान कर चल सकते हैं एंड जब प्रमोटर ऐसे हिस्सेदारी बेचते हैं तो उसका असर जो है बहुत तगड़ा पड़ता है पर्टिकुलरली आप ये मान के चलिए एक, एक तगड़ी गिरावट होती है एंड दूसरा एक ऐसा शेयर है जिसका हल्ला तो बहुत दिनों से है लेकिन जब नतीजे निकल कर आए तो नतीजे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं तो चलो दोनों देखते हैं सबसे पहला जो शेयर है ना, दोस्तों उसका नाम है सिप्ला। अगर हम देखें तो आज ये शेयर ऑलरेडी आपको चार परसेंट डाउन ही देखने को मिला है जबकि इस तरीके की कोई भी खबर निकल कर आई भी नहीं थी उस समय तक तो जब तक आपको जब मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया उस समय तक तो ऐसी कोई ख़बर निकल कर नहीं आई थी लेकिन जब खबर निकल कर आई है डेफ़िनेटली तो इसका असर अब मार्केट पर या फिर मैं बोलूँ जब ये शेयर ओपन होगा तो डेफ़िनेटली पड़ेगा मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ ही दिखा देता हूँ कि आखिरकार क्या न्यूज़ है किस तरीके की चीज़ें हैं ये देखो आपके सामने आ चुकी है आ, सिप्ला ऑन कार ठीक है प्रमोटर एंटिटी में सेल टू पॉइंट थ्री परसेंट स्टेक वर्थ टू सिक्स थ्री सेवन करोड़ 2637 सैंतीस करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर खरीदारी जो है बिकती हुई दिखाई दे सकती है ये देखो यहाँ पर लिखा है सिप्ला कुर्सी या ब्लॉक ऑफ शेयर्स वर्थ टू सिक्सटी सेवन करो ट्रेड ऑन मे फिफ्टीन मतलब कल का जो दिन है कल जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पर एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है जिसमें प्रमोटर जो है देखो लिखा है विद द प्रमोटर फैमिली एंड ओकासा फार्मा सेलिंग एज मच एज द टू पॉइंट फाइव थ्री परसेंट स्टेक सी एन बी सी आवाज़ रिलायबली लर्न फ्रॉम द सोर्सेज ये जो ख़बर जो आपके सामने निकल कर आई है ये खबर जो दोस्तों आई है सी एन बी सी आवाज़ की तरफ से ये खबर जो है देखने को मिली है एंड uh, जब सी एन बी सी आवाज़ ने ये खबर जो है फ़िलहाल ब्रेक कर ही दी है और आ, बड़ी बात यह है कि सिप्ला की तरफ से इसका कोई खंडन भी नहीं आया है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको डेफिनेटली कल जब मार्केट ओपन होगा तो आ, इस काउंटर पर देखने को मिलेगा देखो नंबर वग़ैरह इसके सही आए थे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं थी जब नंबर निकल कर आए नंबर अच्छे आए एंड कंपनी ने डिविडेंड भी दिया लेकिन जब इस तरीके की सभी चीज़ें अच्छी देखने को मिली तो जब आज भी इसमें तेज़ी नहीं हो पाई क्लोजिंग बेसिस पर ओवरऑल आपको जो है गिरावट ही देखने को मिली लेकिन जब इतनी सब चीज़ों के बावजूद अगर आपको गिरावट देखने को मिली है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको हालचाल कल किस तरीके के दिखाई देंगे जहां प्रमोटर ही हिस्सेदारी बेचने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस पर आपको डेफिनेटली अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अगर प्रमोटर रिश्तेदारी बेचते हैं तो ये कभी भी किसी भी शेयर के लिए अच्छी बात नहीं है महीना भर अगर हम देखें दो तो परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं लेकिन साल भर के जो रिटर्न इसके रहे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं उसमें ऐसा कोई आ, समस्या जो है आपको देखने को मिली नहीं है तो ये आपको फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है लेकिन अब बात आ जाती है नेक्स्ट शेयर की दोस्तों नेक्स्ट शेयर भी मैं आपके सामने रखता हूँ एक्चुअली मैं आपको तीसरा भी दिखाऊँगा एक तीसरा शेयर भी दिखाऊँगा यहाँ पर तो अभी मैंने पतंजलि रख दिया है फिलहाल आज देखो पतंजलि में आपको थोड़ी सी तेज़ी ही देखने को मिली एक महीने के रिटर्न कुछ नहीं है यहाँ तेज़ी आई लेकिन ये देखो तेजी आने के बाद पूरा का पूरा तेज़ी जो है वो ख़त्म भी हो गई ये देखो तेज़ी आई वैसी गिरावट हो गई ठीक है लेकिन अगर हम साल भर के रिटर्न देखें तो चालीस परसेंट के हैं लेकिन अब क्या हुआ है समस्या क्या है कि बाबा रामदेव जो हैं बातें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब कंपनी की परफॉर्मेंस तो दिखाई देती है इसके रिज़ल्ट पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जब निकल कर आते तो एक्चुअल जो पिक्चर है वो तो आपको रिजल्ट पे ही दिखाई देती है और जब अब रिजल्ट निकल कर आया है तो इसकी जो है एक्चुअल पिक्चर आपके सामने आ चुकी है और जो पिक्चर निकल कर आई है वो डेफ़िनेटली अच्छी नहीं है अगर हम नतीजे देखें इस बार जो आए हैं वो दोस्तों तो दो करोड़ का प्रॉफिट आया है सेम हम अगर पिछले क्वार्टर में देखते तो दो करोड़ का प्रॉफिट था जिसके सामने ये नतीजे ख़राब हैं लेकिन हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर भी देखें तो दो करोड़ था तो इससे भी डाउन है और इससे भी डाउन है तो आप ये मान के चलिए क्वार्टरली बेसिस पर नतीजे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पतंजलि के एंड जब नंबर ख़राब हैं क्वार्टरली बेसिस पर तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही लेकिन आप सोच रहे होंगे चलो क्वार्टरली बेसिस पर नंबर ख़राब है कोई दिक्कत नहीं ईयरली बेसिस पर सही होंगे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कंपनी ने सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव करोड़ का प्रॉफिट किया है एंड पिछले साल आठ सौ छियासी करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया गया था तो साल दर साल एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर दोनों ही तरीके से देख लें इस काउंटर को तो दोनों ही तरीके से इसके जो नंबर हैं वो खराब निकल कर आए हैं एंड जब नंबर इतने खराब निकल कर आए हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको श्योरली इस शेयर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा एंड यहाँ पर आपको ये गिरावट की जो संभावना है वो कल तगड़ी दिखाई देंगे पहले ही यहाँ पर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कर ही रखी है आप जानते हैं इन पर जो इनके जो मिसलीडिंग एड का केस तो इन पर चल ही रहा है उसमें तो डेली बेसिस पर ये लोग फंसे हैं ही लेकिन अब साथ में जब स्थिति आपको इस तरीके की भी दिखाई देने लगी है जहाँ पर नंबर भी कमजोर है नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर जो है कल आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगता है ये काउंटर कल आपको एक भारी भरकम गिरावट दिखाता हुआ दिख आ, नजर आ सकता है ये दोनों काउंटर पहला मैंने सिपला आपको बताई दूसरा जो है पतंजलि भी बता दिया है इन दोनों में एक भारी रकम आपको गिरावट देखने को मिल सकती है बाकी पतंजलि ने पहले अच्छे रिटर्न दिए ही है इसमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन शेयर अच्छे रिजल्ट देने के बाद या फिर मालूम जो भी परफॉर्मेंस रही है वैल्यूशन के हिसाब से काफ़ी महंगा भी हुआ है ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कोई सस्ता शेयर नहीं है एक ठीक ठाक महंगा शेयर भी हो चुका है अगर हम इसकी शोल्डिंग पैटर्न भी देखें तो देखो प्रमोटर ने लगातार अपना स्टेक बेचा ही है यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया भी था डे ने बढ़ाया था लेकिन अगर हम एफ देखें तो पिछले क्वार्टर में एफ ने भी बेचा था ठीक है तो ये देखिए अब जो तीसरा शेयर है ना वो देखो इसमें नाम है दोस्तों इसका पी वी अब इसमें नंबर आए हैं इन्होंने किया है भारी भरकम लॉस अभी तक तो चलो इनका प्रॉफिट ही कम था लेकिन इस बार जो कंपनी के नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें तो भारी भरकम लॉस हुआ है कितना हुआ है पी में 180 करोड़ का लॉस आया है पिछले क्वार्टर में एक करोड़ की प्रॉफिट थी समझो ठीक है लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखें तो इक्कीस करोड़ का लॉस था तो यहाँ पर अब आप चाहें तो इस लॉस को ये मान लो कि पहले से लॉस थोड़ा सा कम हुआ है उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर पिछला क्वार्टर प्रॉफिट में तो इस बार भारी भरकम लॉस हो गया तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी होगा मुझे लगता है कि कल पी में भी एक भारी गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों हमने तीनों ही शेयर डिस्कस कर लिया आपके साथ जिनमें गिरावट की संभावना जो है काफ़ी हाई दिखाई दे रही है और उम्मीद है आपको सबको अच्छे समझ भी आ गया होगा अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना या तहते वैलाइक नाना जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए थैंक यू